नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के 11वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। समाहरणालय स्थित श्री राधा कृष्णन भवन में अवस्थित जिला नियंत्रण कक्ष का जायजा लेने पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन द्वारा दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। चौंकाने वाला रहा मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का चुनाव परिणाम, 29 में से सिर्फ 5 ही मुखिया बचा पाए अपनी कुर्सी। और रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में लगी आग, 2 घर सहित 1 मवेशी और घर में रखा सामान जलकर हुआ खाक। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहां थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 11वें और अंतिम चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। पूर्वी चंपारण जिले के 3 प्रखंड रक्सौल, रामगढ़वा, सुगौली में वोट डाले गए। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई थी। PCCP, सेक्टर, जोनल व सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। आज मतदान के दौरान उत्साह के साथ बूथ पर पहुंचे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक आज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय स्थित श्री राधा कृष्णन भवन अवस्थित जिला नियंत्रण कक्ष का जायजा लेने पहुंचे। विदित हो कि आज 11वें चरण में जिले के 3 प्रखंड रामगढ़वा, सुगौली एवं रक्सौल प्रखंड में स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में चल रहे मतदान के बारे में उन्होंने जानकारी ली। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 100% मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक क्रियाशील रखें। शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने लोगों से भयमुक्त होकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, DIO, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में आग लगने की खबर प्रकाश में आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस आग लगी में 2 घर सहित 1 मवेशी की भी जलने की खबर है। पीड़ित बहजाद मियां के बेटे ने बताया कि सुबह लगभग 4 बजे लोगों ने हल्ला किया कि आग लगी है। जब सब लोग पहुंच पाते तब तक पूरा घर, मवेशी सहित सभी सामान जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। पूरे गांव के लोग के द्वारा आवाज़ सुनाई, हल्ला हुआ तो हम पहुंचे यहां पे, देखे तो बहुत सारे लोग थे, सब लोग मिल के आग बुझा रहे थे। हम लोग भी आग बुझाने आग कोशिश किए लेकिन आग बुझा नहीं, आग बढ़ता चला गया। उसके बाद इसमें गाय थे, भैंस थे और 2 बछड़े थे, वो भी जले। इसमें लोग थे बचाने की कोशिश में, वो 2-3 आदमी भी जले हैं। और इसमें अनाज था, रुपया पैसा, वो भी जला है। उसमें बहुत सारे मतलब ये नुकसान हुआ है। अब सूचना किसी को दिए हैं? सूचना तो डॉक्टर साहब को भी बताया एक बार, डॉक्टर साहब कॉल किए, डॉक्टर साहब अभी तक पहुँचे नहीं, बोल रहे आ रहे हैं, तो अभी तक शायद रास्ते में होंगे।
मोतिहारी शहर के प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में से एक रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के सदस्यों द्वारा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। संस्था के सदस्यों द्वारा दिवंगत जनरल बिपिन रावत के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था और पूरा देश जनरल बिपिन रावत को नमन कर रहा है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में 10वें चरण के मतगणना परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता ने पंचायत सरकार बनाने के लिए एक बार फिर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। बताते चले कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला रहा। मझौलिया के 29 पंचायत में मात्र 5 पुराने मुखिया ही अपनी कुर्सी बचा पाए और पंचायत की जनता ने विकास के मुद्दों पर नए चेहरे को स्वीकार किया है। रूल्ही मुखिया पति मनील सिंह ने बताया कि जनता मालिक है, हमने हमेशा सेवक बनकर पंचायत की जनता का सेवा किया है। उन्होंने अपने जीत को पंचायत की जनता का जीत बताया है। उन्होंने अपने समर्थकों को धैर्य और संयम बरतने की बात कही है। मैं रूल्ही पंचायत की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने सभी जनता जनार्दन को नमस्कार प्रणाम करता हूँ और साथ ही सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आप सबों ने हमारा सपोर्ट किया, मैं पूरे तन मन धन के साथ कोशिश करूंगा कि आप सबका पंचायत का मान सम्मान बढ़े और पंचायत का चौतरफा विकास हो। अपील क्या करें, क्षेत्र की जनता मेरे मैंने सम्मान दिया है, काफ़ी सम्मान दिया है मुझे। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरी जनता मुझे अपार वोट से जीत लिया है। मैं अपने जनता के लिए बहुत धन्यवाद मनाता हूँ, खुशी मनाता हूँ। उनकी विकास के लिए मैं घर घर पहुँच कर मैं उनके विकास करना। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सवाल ही है, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।